अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HP न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। AIMIM के सदर हैदराबाद MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर कल बतारीख 4 जनवरी को AIMIM बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौजा खान ने दारुसलाम में बहादुरपुरा हलके के तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की, जहां इस दौरान AIMIM लीडर मिर्ज़ा रहमत बेग और साबिक कॉरपोरेटर MA गफूर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में वहां के चैन मनाजिर HP न्यूज़ के साथ। और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी दारुसलाम में। इस रिव्यू मीटिंग के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉरपोरेटर्स, हमारे पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर और सीनियर लीडर जनाब गफूर साहब और जनाब रहमत बेग साहब मौजूद थे। ये मीटिंग लेने का ये मकसद था सदर मोहतरम आली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ वर्क्स बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो है उसके इनॉग्रेशनों का टाइम दिया गया है सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से। उसी के प्रोग्राम के तहत आज की मीटिंग रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी पर, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी पर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स को जो सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नुमाइंदगी करे थे, करोड़ों रुपए के काम सैंक्शन हो चुके हैं। उस कामों का इनॉग्रेशन 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को है और 12 जनवरी के दिन इंशाल्लाह ताला किशनबाग गौतम मॉडल स्कूल कने बाद मगरिब हालात हाजरात का जलसा भी रखा गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। आप तमाम चैनलों के ज़रिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, इस प्रोग्रामों में आप आइए और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, वो तमाम चीज़ें आप अपने आँखों से देख सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा डेवलपमेंट चाहती है और उसी डेवलपमेंट के ज़रिए हम आवाम के दरमियान में जाते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आवाम चाहती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम की बुनियाद के ऊपर चाहती है, या वो बहादुरपुरा मीन के काम की बुनियाद के ऊपर चाहती है, या वो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी होने दीजिए या दीगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होने दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साल के 12 महीने अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के साथ रहती है, अवाम की मजबूरी में रहती है, अवाम के तकलीफ़ों में रहती है। यही जमात है जो हमेशा आपके दरमियान में रहकर काम कर रही है। आखिरी में मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग 10, 11, 12, 3 दिन जो बड़े पैमाने पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इनॉग्रेशन होने वाले हैं, उस सारे इनॉग्रेशनों में हिस्सा लीजिए और इस प्रोग्रामों को कामयाब कीजिए। शुक्रिया।